Audio Jungle. हमारे साथ हैं कुछ भाई जो किसान आंदोलन से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किधर से आए हैं, कैसा क्या माहौल है, क्या आगे की रणनीति है, क्या नहीं है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, आप किधर से आए हो जी? अपना टीकरी बॉर्डर से आए हैं। उधर माहौल क्या है अभी फिलहाल? शांतिपूर्ण माहौल है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो घर जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे रुके हुए हैं अभी? कितने किसान भाई रुके हुए हैं हमारे सब्जी के लिए, वापसी है दोबारा। जी निम्बा जी, जो अभी आप बता रहे हैं माहौल वहाँ पे शांतिपूर्वक है, कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि हरियाणा वालों ने गलत किया, पंजाब वालों ने गलत किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपनी अपनी बड़ी सोच चल सकती है, हम तो जीतने के लिए हैं, जीत के वापस जाएंगे। जी जी, ठीक है ना। वो तो अपनी सोच चल सकती है, उसको कोई गलत बेस पे ले जा रहा है, उसको कोई किसी बेस पे ले जा रहा है ना, ये बात तो समझ रहे हैं। जी जी हाँ, पर हम जीतने के लिए हैं। जितने देर ये हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, जहाँ हमारा किसान भाई कोई भी नहीं उठेगा, वापस कोई नहीं जाएगा। संघर्ष आपका जारी रहेगा? जारी रहेगा भैया, शांतिपूर्वक तरीके से। हाँ, शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहेगा, जब तक हमारे ये काले कानून है ना वापस नहीं होते, तीनों कानून तब तक जहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। तो जैसे 26 जनवरी की जो बात है, तो उस दौरान थोड़ी बहुत घटना भी हुई है, जैसे पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं कुछ? वो होता है भाई, कोई शरारी शरारती आंसर नहीं होते, वो किसी ने कर दिया बस, उसकी वजह से हो गया, नहीं शांतिपूर्वक था सब। धन्यवाद। बहुत ही गर्व फील मुझे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जितने भी बुजुर्गों ने जो आज हालत बताई किसान आंदोलन की, वो हालत हम सबको पता है। अभी तक 62-63 दिन हो गए जो किसान वहां पर जूझ रहे हैं, जो हालत वहां पर है सर्दी में, रात का जो माहौल वहां होता है, बहुत ज्यादा सर्दी में वो बैठे हैं। वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसान अपने लिए नहीं बैठे, वो आम आदमी के लिए भी बैठे हैं, जो वहाँ पर जो आप गेहूं खाते हो, जो भी अन्न खाते हो, वो हम सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो माहौल देश में ऐसा फैला दिया किसानों को, हम एकजुट होकर वहाँ पर जाने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक सुझाव कमेटी को या जो भी मंडल आप बनाना चाहते हैं गाँव वाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शुरू हुआ था आंदोलन, मैं गया था वहाँ पर, पंजाब के जो किसान बैठे थे उन्होंने कहा था हमारे घर से, हर घर से दो बंदे आते हैं, एक हफ्ते के बाद दूसरे बंदे आ जाते हैं। तो इस ये मेरा सुझाव है कि अगर कोई भी यहाँ से जिम्मेवारी लेता है तो हर घर से दो आदमी वहाँ पर जरूर जाएं। आज सुबह कल संदीप जी और विकास भाई वहाँ पर गए थे तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर किसान आंदोलन अभी कमजोर पड़ रहा है। आज सुबह मैं खुद वहां पर गया और आज शाम का 5 बजे का हमने टाइम रखा है कि शाम की रोटी हम वहीं पर जाकर खाएंगे। शाम को 5 बजे खरखोदा से मेरा एक विनती है, जो भी आज कमेटी बने, आज शाम 5 बजे जितने भी ट्रैक्टर, जितने भी जो जोड़ना चाहता है, खरखोदा 5 बजे वहां पर मिले। सबसे अनुरोध है अपने घर से, हर घर से दो आदमी, तीन आदमी, जितना भी आप समर्थन कर सकते हैं, वहां पर पहुंचकर किसान आंदोलन को मजबूत करें। जय हिंद। आपको नमन करता है, मैं सभी जनता का अपनी तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसी आंदोलन के विषय में, इसी पंचायत के बारे में, कि मैं वहाँ पर सिंगू बॉर्डर से आया हूँ अभी, तो वहाँ पर हालात थोड़े नाजुक हो रखे हैं। तो इस वजह से ये है कि जो ये तीन कृषि काले कानून लगाए गए हैं,
ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, कि ये बहुत ही खतरनाक कानून है। क्योंकि ऐसे है, आज आप जो 17 रुपए किलो गेहूँ ले रहे हो, आज अगर ये कारपोरेटर के हाथ में आ गए थे, वही 170 रुपए आपको बिक्री होगा, और आटा तो आपको 200 या 250 रुपए लेना पड़ेगा। तो आम जनता जो भी होगी, मतलब जो रोजगार वो कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ पर भी उनको भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि सर्विस वालों का और सभी आदमियों सब जनता का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि सबका पैसा काट दिया गया है। ऐसा आदमी कोई नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं होगा, उसमें चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे जनता हो, व्यापारी हो, सब तरह का बुरी तरह से उसने ठगा गया है। उसकी एक एक डिटेल मैं बता सकता हूँ, अब भाई ऐसे ऐसे मतलब ये आपके साथ में किया गया। पहले जो नोटबंदी की, तो पूरे जनता को उन्होंने ठग लिया, जितने जितने नोट थे, अब भाई ये 1,500 का नोट है, मतलब ये काफी ब्लैक काला धन है, इसको खत्म करो। अगर इसको खत्म करना था, वहां पर ही हमने समझना था कि फिर 2000 का नोट क्यों बनाया। 2000 का नोट उसने इसलिए बनाया कि उसकी थोड़ी गठरी बनेगी, लेकर के चंपत हो जाओ। तो काला धन यही है। उन्होंने देश की यात्रा, विदेश यात्रा की, और देश का मतलब जितना भी पैसा लेट करके MLA MP खरीद करके हमारे देश के किसान को, हमारी जनता को बुरी तरह से उन्होंने ठगा है। क्यों ठगा है? पूरा पैसा MLA MP में खरीद खरीद के, जहां पर उसके 2 या 4 MLA आते हैं, वहां पर भी खरीद के अपनी सरकार बनाई जाती है। बाकी ये है भाई, यो देश का मसला, देश के किसान का मसला, ना किसी खास का, ना किसी जात पात का, भाई सभी किसान है, 36 गुजरात भी किसान से एकता के साथ समस्या बहुत आएगी। शांति आंदोलन से नया मारा, और शांति में खलबल नहीं करना, असद नहीं बोलना किसी का, ना भाई तो ना और से। बाकी हाजूर का एक अपील है, किसान सदियों से रखता जाए, किसान माथी जितनी ताकत है, इसमें ज्ञान नहीं थे, इसमें एकता नहीं थी, आज समा गया एकता का। तो भाई हाथी का इतना तो समावे है, और दो एंट्री मारे जित बैठा उड़े बैठ जाए जिठा हो गया। आज किसान देश का जागृत हो गया है, एकता में चल रहा है। और बाकी हमारे दो मुद्दे हैं, 3 कानूनों को रद्द और हमारा स्वामीनाथन आयोग का लागू कानून। मोदी जी ये कह रहा था कांग्रेस दबाए रखी रहा, जो कही बहुमत 17 तू पास कर दे, हमारे बाल कुचल दिए, हमारी नौकरी कुचल दी, हमारा सब जम कुचल दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, हमारा सांस बंद कर दिया। आज हमें शांति का जो 2.5 महीने थे, गर्मी सर्दी ठंडी सब क्या में हम मर रहे थे, और उन्हें पर फ्रे थे, अब ट्रैक्टर की मारी रैली निकली, खतरनाक न्यू यूपी वाले ने शरारती तत्व ट्रैक्टर पैसे देकर और घसोड़ दिया, और हमारे पे किसानों पर झूठा ब्लेम लगा दिया। और जो है गृह मंत्री ज्यादा सैनिक बल कर रहा है, तो तू गोली मार, हम लिए हथियार में गैर संसद में घेरेंगे, वीर मर्द बच्चे सब कर काले कानून वापिस करने, और MSP को कानूनी अमली पजामा पर रहना। भाई एक यू भी है कि MSP को जो है गारंटी करवाना है हमने, और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करवानी। और ये कब लागू होंगी? जब घर के लिए एक आदमी जागा, हर गांव में एक ट्रैक्टर नहीं रहना चाहिए। आप अपनी कम हमारे गांव में शेरी का बलवान नंबरदार हूँ, हमारे गांव में कमेटी बन चुकी है, और पूरे जोर शोर से 26 तारीख को भी 40 ट्रैक्टर हम लेके गए थे। आप भी आप अपनी कमेटी बनाइए, और एक बात और बता दूं भाई, आंदोलन चल लगा रबिया थे, आंदोलन कभी भी गरीबी में नहीं चल लगा, आंदोलन चलता है भाई पैसों से। तो आप जो है चंदा इकट्ठा करके
आप अपने गांव का और जिस भाई का उड़ा कुछ नरम काम से उसके ट्रैक्टर में तेल गलवाओ, आप लोगों का काम है। खाने पीने का जो प्रबंध करना हो गांव वाइज करो, या दो चार गांव इकट्ठे हो गए एक जगह भंडारा लगाओ, वह भी अच्छी बात है भाई। दूसरे के भंडारे में खाने खाओगे तो वह भी हमारे पे हमने सो बहना जनती अपना भंडारा बढ़िया चेहरा कट्ठा ला लो। एक मैं अपना विचार बता रहा हूँ भाई, थोप नहीं रहा, मैं तो अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। घर के लिए एक आदमी की हाजिरी हो, और जिसके पास गांव में ट्रैक्टर है गांव में ट्रैक्टर नहीं रहना चाहिए, सभी का ट्रैक्टर जाए। और भाई इस आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर मेरा तो विचार है भाई, कल सिंघू बॉर्डर पर जाओ सारे ट्रैक्टर खर खोदा इकट्ठे हो जाओ, एक अपना काफला काटो। सबसे पहले तो जो पंचायत में बातें चली उसमें निराश होने की जरूरत नहीं। एक दो ने कहा कि वहां ऐसे होगा ऐसे होगा, ये तो सरकार है, जैसे अंग्रेज राज में होता था उसमें भी टीवी में सब चीजें उनकी बिकी हुई हैं। हमारे किसानों के आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन साधन उनके हैं। स्वामी दानंद जिस समय हुए थे उस समय तक वो रेडियो और टीवी भी नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया में स्वामी दानंद का नाम है। आज जो ये आंदोलन है ये किसान का आंदोलन है, और किसान बिल्कुल त्राय त्राय कर रहा है। यह सरकार की जिम्मेदारी थी जो वहां पर हुआ। किसानों ने तो पहले कह दिया था कि हम लाल किले तक जाएंगे, उनका जो मार्ग डाइवर्ट किया गया वो भी सरकार की गलतियां थी। और वो बदनाम करने के लिए आज एक मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि हम निराश है, कोई निराश नहीं है, हम बड़े उत्साहित हैं। ये तो सरकार ने दिखा रही, सरकार बिकी हुई है। सरकार के माध्यम से जो मीडिया काम कर रहा है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और नौजवानों में ज्यादा उत्साह आया है, हमारा आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। हमारी तो एक ही डिमांड है, अगर 3 कृषि कानून है वो वापस लो। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि इतने लाखों लोग करोड़ों लोग पूरे स्टेट में, हरियाणा और पंजाब में नहीं पूरे भारत के हर स्टेट में वहां की राजधानी पे प्रदर्शन किया गया, अगर काले कानून को वापस ले लो, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। और उसके बाद भी सरकार ने यह करवा दिया, और वहां पर जो धर्म का किसी भी जाए, ये सारे सरकार के षड्यंत्र हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। और उत्साहित होकर के हमारे नौजवान भाग लेंगे, हमने ये काले कानून वापस करवाने हैं। और जो रही प्रधान जी ने बताया ड्यूटी लगाने की, हर गांव से प्रधान जी कहने की जरूरत है कि कब कहां जाना है, सभी लोग तैयार बैठे, पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरा देश छोड़ के इस टीवी और रेडियो के माध्यम में बाकी पूरी जनता तराई तराई कर रही है, कोई भी सरकार से खुश नहीं है। हमारे कानून वापस लो, ये जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, और सब से वहाँ सरकार ने जो योजना अपनी बना रखी है कि ये नेट बंद कर दिए, हमारे को सूचनाएं नहीं दी जा रही, ये भी एक बहुत गलत उनका षड्यंत्र है। अगर नेट बंद कर दिए हमारे को सूचनाएं नहीं आ रही, हम सब ने एक होकर के साथ चलना है, भ्रमित ना हो। जो सरकार हमारे बीच में भ्रम पैदा कर रही है, अगर वहां जाकर के देश से लोग प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, ये सब सरकार की अफवाहें हैं। हम सभी भारतवासी हैं, हम भारत के किसान हैं, इतने समय हो गया वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और आज तक सरकार काले कानून को वापस नहीं कर रही है। तो इसलिए प्रधान जी मैं तो एक जो ये पंचायत ड्यूटी लगाएगी उस ड्यूटी में आप लोगों के साथ है, पूरा बढ़ चढ़ के। मेरा बेटा बैठे आज रास्ते में आते हुए कह रहा था अगे पापा मन ने भी 5-6 दिन उड़े जाना है। भाई इतना उत्साह है, इतना उत्साह हर नौजवान में उत्साह है। टूल टैक्स पर पहुंचेंगे, 5 बजे तक पहुंच लेना है, अभी चल देना है सभी भाइयों ने। आज का फैसला पंचायत का यू है भाइयों, 5 बजे तक टूल टैक्स पर पहुंच जाओ पीपली, शांतिपूर्वक तरीके से जाना है, आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलाना है। अगर कोई भाई किसी और गतिविधियों में बढ़िया तो उसको वापिस कर दिया जाएगा। जो कमेटी जो हमारा फैसला है पंचायत का, वो फैसला ये है कि अगर उस फैसले पर कोई भी ट्रैक्टर वाला भाई कोई किसान नहीं चला तो उसको वापस कर दिया जाएगा।
उसकी कोई देख रेख या कमेटी जिम्मेवार नहीं होगी भाई। वापस नहीं करा जाए इकट्ठा होगा उस गद्दार पे दंड भी करेगा। अगर जाको धरने नहीं बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस गद्दार को सारी दया खाप कट्ठे होकर दंडित करेगी। हम शांति पूर्वक करेंगे और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है रावणी माता का नेम करके चलते हैं। सारे भाई इतना पीपड़ी चलो भाई कबड्डी उड़े मिल जाएगी। सारे के सारे भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आप भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में एक मिनट प्रधान जी। और भैया बाहरी खाप को पीछे धकेलने के लिए को भाई बुरा मान लिया सुख मानियो आदमी को प्रधान नहीं होता सारी खाप को बदनाम करने वाला। आज के फैसले में एक और फैसला हुआ है पीपली टूल टैक्स को बंद करवाएंगे और सदा के लिए बंद करवाएंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा जन्म हुआ था कोच्ची गांव में एलाउत खाप में और मैं गर्व के साथ कहता हूँ मेरा भाईचारा भाई दैया भाइयों से हो गया। मैं इनकी शरण में रहता हूँ खेड़ी में दैया गांव में। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैं एक संगठन में काम करता हूँ अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ। भाई साहब जानते होंगे 23 सेक्टर में हमारे ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं अभी चलना है। मैं 2 मिनट लूंगा। एक तो ये है कि हर गांव में कमेटी बनाओ। ये जो पंजाब के किसान जो डटे हुए हैं एक सिस्टम बनाया उन लोगों ने हर गांव में कमेटी है 10-20-30-50 लोगों की कमेटी है। एक सरदार से हम पूछने लगे वहां भाई आपका काम पीछे से कैसे होता है तो उसने बताया कि गांव में कमेटी है मेरे क्यों जो 75 क्यों थे वो नहीं बो पाया। मैं यहां से फोन कर दिया भाई बीज खाद मेरे घर से ले लियो उसके क्यों बो दिए। ऐसे ही हर गांव में कमेटी बनानी पड़ेगी। हमने जैसे कुछ भाई तो वहां बॉर्डर पर डटे हुए थे हमने 23 गांव में कमेटियां बनाई पूरे 23 गांव में। आज उन 23 गांव से कुछ आदमी 23 सेक्टर से चले गए तो मेरी प्रधान जी से और भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि हर गांव में कमेटी बनाओ और एक सिस्टम बनाया था। और कमेटी में जो एक्टिव बालक हैं नौजवान हैं अनुशासित हैं बढ़िया चरित्र के हैं उनको लो। जितना बढ़िया चरित्र होगा उतना ही बढ़िया आंदोलन होगा उतने सफलता की गारंटी होगी। मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ दो तो लाइन सुनाऊँ। मैं एक गीत की चौधरी छोटू राम का बदली होया है वो इत्तेफाक से मेरे पिताजी के पास आया था। बैठे हैं उन कदर रखा के जेल में ठोक दिए जाएंगे या न वे सब वे आत्महत्या कर लेंगे। भाई बात ये है पीपली टोल पर सुनो भाई तगादा मत करो आड़ा फैसला करेंगे ये पीपली टोल पर आड़ा ये फैसला करके देंगे कै बजे हर गांव से ट्रैक्टर दैया के हर गांव से खरखोदा ब्लॉक में चाहिए। और भी कोई भाई है ब्लॉक की जो है अलाउंसमेंट करी थी और वह दूर दूर के लोग आ रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेकर अपने जत्थे के साथ और एक कमेटी जो बनाने का निर्णय है जो जाने वाले आदमी है एक गांव की कमेटी बने 11 आदमियों की जो रोजाना की डायरेक्शन ले और वे सारे उड़ा इकट्ठे हो गए एक अपने ब्लॉक की कमेटी बना ले और जो भाई चंदे की और उसकी बात करे अपने गांव का चंदा कर अपने पास वहीं रखो। जब जो कमेटी फैसला करेगी अग भाई वो चंदा उड़ा लगना है। और भाई रही बात क्या एक आदमी नौका जग भाई और रोटी खा
भाई वहां जो ना पांच बालक गए थे मारे अरुण दैया खापका बैनर लागा भंडारा चला रखा है। मेरे ख्याल में 4-5 हजार आदमी रोजाना खाना खा है, पर गांव और गवांड में सहयोग कर रखा है। गोपाल पर गांव का भंडारा चल रहा है, एक दूसरा एक गांव और हमारा दैया का उसका भंडारा चल रहा है, और टीकरी में भी दैया का भंडारा चल रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं है, एक भंडारा नहीं चल रहा है। हमारे भंडारे पूरे मतबल शंघु बॉर्डर पर ये है, अक भाई दैया खाप की जय जयकार है, पर उसको संभालने की जरूरत है। वे बच्चे टूटने वाले हो रहे हैं क्योंकि दबाव ज्यादा है। और आज एक भाई भी है जो कमेटी के लोग बैठे हैं, कोई भाई पाछे न बैठा हो ताकि ना जाओ और बतला के टाइम टेबल धरो और आज ही पूरे दिन फैसला डायरेक्शन ले लो। हमने गाजीपुर चलना है, शंघु चलना है। अगर टिकेट ने जरूरत है गाजीपुर, अगर जब वो हत्या मत्या कर देगा तो फिर कुछ नहीं है। बार बार भीतर तो उबड़का रही थी भी कमेटी बनाओ कट्ठे और करो और मरो, लास्ट आ गया है 20-22 और कुछ हो नहीं सकता। रात बहुत बुरी तरह गुजारी, एक एक कर्ण कर्ण आवे है गाजीपुर बॉर्डर पे। हम रात ने प्रीतमपुरे के भीतर के सिंह बॉर्डर गए, पता नहीं कितने फोन आए, बिला यौत आंदोलन खराब हो गया, बंद हो गया, यो हो गया, बकगी सारी मीडिया। हम रात ने प्रीतमपुरे में गए, न्यू का न्यू लाखा किसान मारा भाई अपने भी नाथू पर के नुन के गांव के फिर भी जा पहुंचे। तक करो मरो की लड़ाई है और ये नहीं कमेटी बनाओ। मैं अपने गांव की के गवांड की सब कहे की हंगा ला कर 26 ने भी गए थे, 26 ने गए वापस आ गए, लेकिन आने तो 5-6 हजार ट्रैक्टर अपने दैया खाते थे, लेकिन 50-60-70 हजार तो ट्रैक्टर को गांव में नहीं रहना चाहिए। जब वो भाई तकैत की, जब उनकी जो ये बक्के और सारे कमीन जो ये थे ना आरएसएस के, ना जी हाथ मतलब था उठ रहा है, आरएसएस के थे जो इन नजा के फरा हमें अपने गांव में 10:30 बजे 125 ट्रैक्टरों के साथ मारा रोना चल रहा था। भाई 12 बजे हम पूरे दिल्ली में परेड करांगे, वह परेड करांगे किसान वाली परेड करांगे, दुनिया देखेगी। 62 दिन तो इतनी शांति थे आज तक दुनिया में, इतिहास में कदे अंग्रेजा के टाइम भी आंदोलन नहीं हुआ जितनी शांति पूर्वक मारे किसान भाइया ने करा। एक एक का मैंने को जोश हिस्सा आना चाहिए, एक ट्रैक्टर भी घर में नहीं रहना चाहिए। जो भी टाइम टेको वो टेको और एक एक कमेटी बनाओ, 10 रुपये तक जाते भी जिसका भी जिस ही श्रद्धा वह मदद करके ट्रैक्टर में भी तेल गाल के ज्यादा से ज्यादा सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली में चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार भीतर तो उबड़का रही थी भी कमेटी बनाओ कट्ठे और करो और मरो, लास्ट आ गया है 20-22 और कुछ हो नहीं सकता। रात बहुत बुरी तरह गुजारी, एक एक कर्ण कर्ण आवे है गाजीपुर बॉर्डर पे। हम रात ने प्रीतमपुरे के भीतर के सिंह बॉर्डर गए, पता नहीं कितने फोन आए, बिला यौत आंदोलन खराब हो गया, बंद हो गया, यो हो गया, बकगी सारी मीडिया। हम रात ने प्रीतमपुरे में गए, न्यू का न्यू लाखा किसान मारा भाई अपने भी नाथू पर के नुन के गांव के फिर भी जा पहुंचे। तक करो मरो की लड़ाई है और ये नहीं कमेटी बनाओ। मैं अपने गांव की के गवांड की सब कहे की हंगा ला कर 26 ने भी गए थे, 26 ने गए वापस आ गए, लेकिन आने तो 5-6 हजार ट्रैक्टर अपने दैया खाते थे, लेकिन 50-60-70 हजार तो ट्रैक्टर को गांव में नहीं रहना चाहिए। जब वो भाई तकैत की, जब उनकी जो ये बक्के और सारे कमीन जो ये थे ना आरएसएस के, ना जी हाथ मतलब था उठ रहा है, आरएसएस के थे जो इन नजा के फरा हमें अपने गांव में 10:30 बजे 125 ट्रैक्टरों के साथ मारा रोना चल रहा था। भाई 12 बजे हम पूरे दिल्ली में परेड करांगे, वह परेड करांगे किसान वाली परेड करांगे, दुनिया देखेगी। 62 दिन तो इतनी शांति थे आज तक दुनिया में, इतिहास में कदे अंग्रेजा के टाइम भी आंदोलन नहीं हुआ जितनी शांति पूर्वक मारे किसान भाइया ने करा। एक एक का मैंने को जोश हिस्सा आना चाहिए, एक ट्रैक्टर भी घर में नहीं रहना चाहिए। जो भी टाइम टेको वो टेको और एक एक कमेटी बनाओ, 10 रुपये तक जाते भी जिसका भी जिस ही श्रद्धा वह मदद करके ट्रैक्टर में भी तेल गाल के ज्यादा से ज्यादा सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली में चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने ट्रैक्टर लेकर
और पिपली टोल प्लाजा पर पहुंच जाओ, वहां से पूरा जत्था एक साथ चलेगा। इस समय एक लेन में शांति के साथ अपने डायरेक्टर पर अपनी यूनियन का या देश का झंडा लगा गए, और भाई किसी के हाथ में कोई हथियार या कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर जब कोई भाई शरारत करेगा और तब उसको जो हमारे वॉलंटियर अलग ही निकाल देंगे, ये हमारा फैसला है कमेटी का। कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसको हमारी कमेटी का कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो अपनी गतिविधि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। हम शांति से गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अपने आंदोलन में भाग लेने के लिए चल पड़े। एक कमेटी बनानी है खरखोदा पूरे ब्लॉक की, कमेटी बनाई जाए वो तो कमेटी वाला है, या दो बना दो जैसे आप उचित समझो। वो फैसला पूरे खरखोदा ब्लॉक से आदमी आए हुए हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है एक या दो जल्दी से जल्दी पूरे ब्लॉक की कमेटी बना दो, ताकि पूरी हमारी लड़ाई संगठित हो जाए और एक नियम से और अनुशासन से ही लड़ाई जीती जाएगी। और भाई एक हमारा प्रार्थना मेरी आखिर पांच वर्गन है, और भाई बहुत आनंद भी मौका दे दो भाई, ये भी बोलो ना रे भाई। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा राजवीर जरोट ब्लॉक समिति से, मैं गारंटी दूं 1000 ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, टाइम बताओ, टाइम बताओ, किसे कैसा तोड़ा नहीं को 1000 रुपया तेल नहीं करवा सकता, टाइम धरो, टाइम धर कर चलो, डोमन सही जरूरत है। अरे बेनू के मारे वीरो आ जाओ रे, मारे वीरो आ जाओ भाई, टाइम धर दो, काल वाल नहीं भाई अब चलो, सारा काम आज टाइम कर लो, आज चल ले मेरा। अरे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ भाई, मैंने अपना विचार प्रकट कर दिया। मेरा आंदोलन किस तरह चल रहा था, क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र है, उसके बारे में नहीं जाना भाई। जो ड्यूटी या पंचायत लगाओगी, मेरा अपना सुझाव है भाई, दिन रात ये ना अगर वहाँ भेजोगे तो दिन रात बैठने के लिए हम तैयार हैं, अगर वहाँ हमारे गोली भी मारेंगे तो गोली खाने भी तैयार हैं, लेकिन अपना हाथ नहीं उठाओगे, वहाँ मर के आ सकते हैं आप, हमें दफना सकते हो, लेकिन हम तैयार रहेंगे। और भाई ज्यादा मैंने करते हुए, मैंने एक मामा एक्सपायर हो गया है, मैंने वहां जाना जरूरी है, अकेला भतीजा बन जाऊं मैं उनका, है मैंने वहां पहुंचना है। आप जो ड्यूटी लगाओगे मैं उनका तन मन धन से और अपने पति विचारों से सारे साथ आपके साथ रहूंगा, धन्यवाद। इसी के ऊपर ही और एक ये है, थोड़ा मेरे दिमाग में आई है, ठीक है क्या गलत है, गलत हो रहा है, इसका एक लाइन बना लेंगे, नाम लिखवा दो जिसने बोलना था, सभी अपने दिल की बात रखे, ये पूरे आम पंचायत है, ये किसानों की पंचायत है, इसका कोई राजनीतिक रंग नहीं है, ये सभी जवान बूढ़ा जो भी किसान के प्रति ज्यादा से ज्यादा सुधार दे सकता है, सभी दिल से अपनी बात रखते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे को दिखाएगी आप लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, जब ये था ये गोरे अंग्रेज चले गए हैं, काले अंग्रेज आ गए हैं, इन्होंने अपने नाम से वो दिया है सरकार का, जैसे कि मोदी सरकार बोलते हैं, किसी आदमी के नाम पर मोदी नाम पर या किसी आदमी के नाम पर सरकार नहीं होती है, सरकार होती है पार्टी की, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह एनडीए पार्टी हो, चाहे वह आप पार्टी हो। अब भाई कानून वाली बात या कारी, आप सब लोग आना पता है, पढ़े लिखे हैं, ये सरकार हमारे को बच्चों को एक बर्बाद करने का इन्हें निर्णय लिया है, तो हमने इनके निर्णय को स्वीकार नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना है। धन्यवाद जी। न्यू कहे भाई जो धरना धर रहे हैं इन्हें कुछ लोग न्यू कहे भाई वापिस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ना तो वह दैया के वह सरकार के आदमी है, उन बातों को हमने बिल्कुल नहीं सुनना। आज वो भाई भाई वादा करने हमने आंदोलन में इकट्ठा भी होना है,
भाई ये बातें तो होती रहेंगी, इसी बात पर बतलावे और जो करना है अभी करके उठे, इसका सजाओ इस तबरती बात ना करें। इनकी चाल में बताइयो, ये फिर एक मसला उठा रहे हैं राम मंदिर का। राम मंदिर तो हमारे अंदर है, हमारे खेत और खलिहान हमारा राम मंदिर है। हाँ, तो मैं आपसे फिर एक बार अपील करूंगा कि गांव में कमेटियां बढ़ाओ, हर गांव में कमेटियां सुनो। और उसके बाद जो ना एक ब्लॉक की गांव वाइज जो ब्लॉक में जितने ये गांव गा रहे हैं सब एक कमेटी बनाई जा, आप अपना एक आदमी उस कमेटी में जरूर देवे। जो संघर्ष का रोजाना का डाटा गांव में अपने में देता रहे और वहां से लेता रहे। सभी भाइयों से मेरी आत्मा की प्रार्थना सबसे पहले यह है, मेरे को पांच मिनट से ज्यादा मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। पापा कोई बयान नहीं है, इंडिविजुअल बयान है, एक आदमी का बयान है भाई। ये पूरे पूरे खाप का बयान होगा, जो चौधरी मान्य होगा, जो चौधरी आंदोलन कृषि कानून का आंदोलन है, ये शुरू है और जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, मेरी आप सब लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि इस सरकार ने यह सोच लिया। वीर मर्द बालक न खेल गोली मारो न मरना, सही धोना नाम दे काका कहे तो कोई काकड़ी नहीं दे, गोली खाओ भाई मरे कानून रद्द करो मरे खिलाफ। डॉक्टर लेकर पिपली टोल प्लाजा पर 11 बजे गेट बंद। नेता सभी बालों को मेरी आंखों के सामने अवैध बच्चों को छोड़ो बंद बंद कर। किसी एक बरादरी का है ना ये, ये किसी एक धर्म का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 36 बरादरी हम एक ही हैं और हमारा एक ही सोच एक ही विचार ये है। अब जो हमारा ये आंदोलन कुछ लोग खराब कर रहे हैं या गलत सलत बयान दे रहे हैं, इनको हमने नहीं सुनना और तन मन धन से आप लोगों ने वहां जाकर और हिम्मत के साथ हमने ये दिखाना है। आज समय आ गया, चाचा ने बताया, हम यहाँ एकत्रित हुए इकट्ठे हुए और जो भी कमेटी निर्णय लेगी, आपका भाई आपका बेटा आप लोगों के बीच में है, जो भी कमेटी का जो आगे का विचार होगा तन मन धन से आप लोगों के साथ में जगह भंडारा महाराज चल रहा है, तैयार कर दो थोड़ा वाई ट्रैक्टर जो ना खड़ उसका के हो है और जो ले जाए उसका के हो है, एक तैयार बतला लो उसकी तो हमने बेरा है। तीन कृषि कानून के हो रहा है के ना हो रहा, थोड़ा वाइज उस आदमी का इंतजाम करो जो अपने ट्रैक्टर ना खड़ है और थोड़ा वाइज कमेटी बनाओ जी।